मालिक रक्षे वाला। ओ बाजी मैनू धियां दियां गालियां भैणां दियां गालियां इन्नियां को देख गया कि आंदा तू मेरे मेरे पुत्र नूं रिश्ता देना हैगा तू। मैं कहा यार मैं तेरे पैसे ही देने ना, मैं तैनूं दे देना। मुनफरिद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। मायनी मैं किन्नो दसां दर्द विछोड़ दहालनी दर्द विछोड़ दहालनी मायनी मैं किन्नो दसां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। आपने इतनी जिद करके गाना सुनाया कि मुझे गाना सुनाना है सुनाना है सुनाना है, पिछले दो घंटे से आप मुझे कह रहे हैं, तो इतनी क्या आपको कैफियत थी कि आपने गाना सुनाना है? बेटा जी मैं तुम्हें अपना दुख दसा ना तो तुसी तो लग पवो। क्या दुख है आपको? मेरे घर दे विच ऐ रक्षा मेरा दिहाड़ी दा इंदे 12 दिहाड़ियां हो गईयां ने। मेरी घरवाली दा 715 रुपए का इंजैक्शन है, 100 रुपया महल के बच्चे डॉक्टर ले लेंदा। जनाओ हॉस्पिटल रही सी ना, 1 रुपए का बाजी मेरी खर्चा नहीं होया। ठीक है, उन्होंने 10 इंजैक्शन लिख के दिते, 10 इंजैक्शन लगवा के ना तो फिर दोबारा आके चेक करवाओ ना देना, जिगर तो सोज आई मेरी भैन। मैनू कल दवाइया शवाइया लिजा के ना टीका लिजा के 40 रुपए बचे। मैं 20 रुपए की चीनी लैके मेरा शहर पाक पता नहीं मेरी अम्मी चावल लैके आए सही। मेरे बच्चे ला 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 मुहम्मद रसूलल्लाह, मेरे बच्चे 6 दिन तो ना चावल खा रहे हैं। उनकी वजह की कि बाजी रानी 300 रुपये का रक्षे की दिहाड़ी और उनका पेट्रोल भी पैंदा है, पिछे बच्चा 700 या 800 हवाई रोज ही है। मेरी धी रानी गुरबत का सब तो वड्डा नशा है, मेरी भैन है गुरबत का सब तो वड्डा नशा है। अभी आपने नशा नहीं किया? नहीं, सिगरेट जरूर पीना। 3 दिन तो मेरी भैन रानी मैनू जगराता है, 3 दिन तो लगातार मैं अपने बच्चों लिए किसी के अगे इंज नहीं किया कि मजदूरी करता पे। हाथ क्यों गंदे आप? बाजी रानी है हाथ नाल और सोच नहीं लगा है, इंज तारा मरोड़ के मैं स्टार्ट करना। मेरी भैन अभी जो आपने गाना सुनाया माए नहीं मैं किन्नू आखा, ये किसके लिए गाया? बेटा एक माँ है या रब है, एक माँ ने मेरे मेरा एहसास किया। देखो चावल लैके आई मेरे लैके मेरे बच्चे लैके आई बाजी रानी, एक माँ तो सिवा और दुनिया के कोई एडा वड्डा रिश्ता नहीं हैगा बाजी रानी। आपने इतनी जिद करके माँ के लिए गाना गाया तो क्या आपके क्या ऐसा साथ है अपनी माँ के लिए जो आप बताना चाह रहे थे? मेरी भैन मैनू तो रब इन्ना देवे कि मैं आदि माँ नू उस सोने पाक मदीने की सैर करा लवा। लेकिन भैन रानी तुसी मेरे नाल जाके वेख लो, अगर मेरे घर दे विच तुहानू एक पाइया आटा नज़र आ जाए, दवाइया दे 715 का टीका 100 रुपया महल्ले का डॉक्टर लैंदा जिहड़ा, किधर रहते आप? मैं चले मेरी भैन रानी चला चला बाजार। तो रक्षा चलाते रक्षे से पूरे नहीं होते पैसे? रानी पैसे होते न पूरे, क्यों नहीं होते, लेकिन उनके विच अज 7वां इंजैक्शन है। उन्हें तो पहले बाजी मेरा रोजगार बड़ा सोहना शुक्र अल्लाह पाक का चलता पाया। बाजी बीवी की बीमारी की वजह से आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे जी? मेरी बहन रानी तो इतने दुखी जो गाना सुनाया वो किसके लिए था? बाजी माँ दे ले माँ माँ ही मेरे काम आ रही है और कोई नहीं काम आ रहा। बाजी
अच्छा अगर मुनासम समझो ना, बाजी मेरी धी सुबह ना रो पई सी, आंदी अबू जी अज ना अम्मी का इंजैक्शन रहन दियो, ते अज आटा लैके आना, 6 दिन हो गए चावल नहीं खाए जा रहे, हुण बख्शियां च दर्द हो रही है, मेरे इत्थे कन्न फड़ा लो बाजी राणी, ते मैनू पाइया चीनी पाइया ते घिओ, ते मेरे बच्चों का उस सोने मुहम्मद दे सदके करके ना बाजी, मेरा अगला लफ्ज नहीं कह रहा। क्या नाम है आपका? मेरा मेरी भैन आजाद अहमद नाम है जी। नाज़रीन, आजाद अहमद इनका नाम है, और काफी देर से ये हमें जो है वो कह रहे थे कि मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, कुछ सुनाना चाहता हूँ, तो मैंने भी सीरियसली इतना नोटिस नहीं लिया, लेकिन फिर इनकी ख्वाहिश थी तो मैंने कहा चले आप सुना दे। तो जब इन्होंने सुनाया तो मुझे इनकी आवाज़ में, इनके गाने में एक दर्द सा महसूस हुआ कि ये किसी तकलीफ में, किसी दर्द में गा रहे हैं। तो उसके बाद मेरी इनसे बातचीत हुई तो इनका कहना ये है कि इनके घर में जो है वो खाने को कुछ नहीं है, इनकी औलाद जो है वो आज जिस तरह ये बता रहे कि मेरी बेटी जो है वो मुझे कह रही थी कि आज अम्मी का इंजेक्शन ना लेके आना, बल्कि घर में कोई राशन ले आना ताकि हम अच्छी तरीके से खाना खा सके, तो उसके पैसे भी नहीं है। इनकी बीवी का इलाज हो रहा है, 750 रुपये का एक इंजेक्शन है जो रोज़ाना उन्हें लगता है, और इनका कहना यह है कि ये रक्षा भी चला रहे हैं, इनका रक्षा भी इस वक्त हमारे सामने खड़ा है। पहले तो कुछ लोगों का कहना यह था कि ये नशा करते हैं, तो मैंने इनसे पूछा भी कि आप नशा करते हैं, लेकिन इनका कहना यह है कि मुझे गुर्बत का नशा है, मैं नशा नहीं करता, मुझे गुर्बत का नशा है, इसलिए मेरी हालत ऐसी है। रक्षा 3 दिन तो रक्षा में चला रहे, 3 दिन तो की कि मैं आटा ले जावा, चीनी ले जावा, घ्यो ले जावा, मैं केड़ा केड़ा खर्चा, 2 महीने से मेरी भैन राणी मेरे घर का किराया चढ़ाया पिया, उन्हों की मेहरबानी, अल्लाह पाक उन्होंने बहुत अता करे कि उन्हें मैंने अजे तक पूछा नहीं। बाजी मालिक रक्षे वाला ओ बाजी, मैनू धियां दियां गालियां, भैनों दियां गालियां इनिया को देख गया कि आता तू मेरे पुत्र नू रिश्ता देना है तू। मैं कह यार मैं तेरे पैसे ही देने ना, मैं तेन दे देना। बाजी की करा मैं, मैनू आखो तो मैं उतो मरन नू तैयार हैगा। बाजी इन्ना को मैं तंग आया पिया, मेरी भैन इन्ना को तंग आया पिया। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही इनकी हालत जो है वो देख रहे हैं, इनके कपड़े देख रहे हैं, इनके जूते देख रहे हैं, मतलब इनका रक्षा इस वक्त मेरी नज़रों के सामने है, और बहुत ही दुख बड़ी इनकी कहानी है। और इनका कहना यह है कि इनके पास एक पाया दाल, एक पाया आटा तक नहीं है घर में अपनी बच्चों को खिलाने के लिए। 3 दिन से ये जाग रहे और जाग के जो है वो रक्षा चला रहे हैं। अजाज भाई मोबाइल है आपके पास? नहीं मेरी बहन जी। ये जास भाई है, एक रक्षा इनके पास, वो भी बहुत खस्ता हालत में है उनका। इस वक्त आप कैमरे की स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, इनकी हालत भी आप देख रहे हैं। तो जो भी मेरे बहन भाई, ओवरसीज बहन भाई, जो भी इनकी हेल्प करना चाह रहे हैं, इनके बच्चों की हेल्प करना चाह रहे हैं, इनकी बीमार बीवी की हेल्प करना चाह रहे हैं, बराए मेहरबानी ये दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि आपके इमदाद जो है वो हम इन तक पहुँचा सकें। और मैं अभी कोशिश करूँगी कि इनके घर भी जाए ताकि हम इनके घर के हालात भी देख सकें। ऐसा ना हो कि आपकी दी हुई इमदाद जो है वो किसी गलत जगह पर पहुँच जाए, तो हम अपनी पूरी तसल्ली करेंगे। तो घर जा के चेक कर सकते हो, अगर झूठ हो ना मेरे नाल तुसी जो तुहाडा जुर्म दी इंतहा हो वो कर लेना। कलीम आप इनके साथ घर जाके इनका सारा चेक करके आओगे, ठीक है? तो जो भी इनकी मदद करना चाहते हैं ब्राह्मण बानी, काफ़ी दुखी है, रो भी रहे हैं, परेशान भी है, एक मर्द है, अगर वो रो रहा है तो वो किसी ना किसी वजह से रो रहा है। बीवी की, बच्चों की जिम्मेदारी इनके सर पर है, दिन रात जो है वो रक्षा चला रहे हैं लेकिन अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक दफ़ा दोबारा से अपील है कि ब्राह्मण बानी इनकी हेल्प करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी हेल्प की वजह से किसी की जो है वो ज़िंदगी बदल सकती है, खानदान का खानदान जो है वो बदल सकता है, वो भूखे बच्चे जो है वो खाना खा सकते हैं, वो बीमार बीवी जो है उसका इलाज हो सकता है, और ये रोता हुआ बाप जो है ये खुश हो सकता है। तो बराए मेहरबानी इनकी हेल्प करें जी। और जाने से पहले आपको एक और बात बताती चलूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस तरह आते हैं कि इरम महमूद जो है वो खुद हेल्प करते हैं या न्यूज़ ऑन की टीम जो है वो इनकी हेल्प करे। तो मैं जाने से पहले एक बात आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर हमें इस तरह के कोई भी फ़र्द वगैरह मिलते हैं और वो अपनी इस तरह हमें अपनी तकलीफ़ का इजहार करते हैं, तो हमारी जितनी औकात है हम जिस तरह हमसे हो सकता है हम अपनी तरफ से तो इनकी हेल्प करते ही करते हैं। उसके बाद आपसे अपील मांगते हैं कि आप लोग भी इनकी हेल्प करें। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम सिर्फ आपकी ही मदद जो है वो यहाँ तक पहुँचाते हैं, हम पहले कोशिश करते हैं कि अपनी जितनी हमारी उस्ताद है हम खुद इनकी हेल्प करें, उसके बाद आपसे अपील करते हैं। ये
ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।